हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली हेयर क्लिप बनाएंगे। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए, इसके लिए हमें एक इस तरह का जो है फोम मटेरियल आता है वो चाहिए। ऐसे आता है, मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। एकदम सॉफ्ट आता है। और एक हेयर क्लिप चाहिए। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। और एंड में मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता दूंगी कि इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम पहले तो इस तरह से नॉट लगा देंगे। इसे देखिए, पास से इस तरह से नॉट लगा दी। और इसके बाद हम क्रोशे को इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर एक, दो और तीन चेन बनाएंगे। और तीन चेन बनाने के बाद इसे हम इस तरह से लूप लेंगे और पहली चेन में डाल करके इस तरह से खींच करके पफ स्टिच बनाना है। एक बार किया, दो बार और ये तीन बार। तो इस तरह से हमने तीन बार किया। अब हम इस धागे को यहाँ से पकड़ के रखेंगे और इस तरह से निकाल देंगे सारे धागे में से। और अब जो हमने पकड़ा हुआ धागा था, इसे हम क्रोशे में डाल देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर से पहले ये वाला धागा निकालेंगे, फिर दोनों धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर से लूप को लंबा खींचेंगे। और फिर एक, दो और ये तीन, तीन बार किया। फिर से धागे को इसी तरह से पकड़ के रखेंगे, यहाँ पर ये वाला धागा, और फिर यहाँ पर से लूप लेकर के सारे धागे निकाल देंगे। और फिर से ये जो हमने पकड़ा हुआ धागा था वो क्रोशे में ले आएंगे और फिर से दो में से एक कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से लूप को लंबा खींचेंगे, एक, दो और ये तीन। फिर से धागे को पकड़ के रखेंगे, इस तरह से करेंगे, इसे फिर से निकाल देंगे। तीन बार किया, अभी और दो बार करना है। पांच बार टोटल हम करेंगे। इस तरह से दो और ये तीन। फिर से लूप लेंगे, इसको पकड़ेंगे, निकाल देंगे, दो में से एक कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, एक, दो और ये तीन। फिर से लूप लेंगे, ऐसे आगे के निकाल देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पांच बन गए। देखिए, पांच बार पफ स्टिच बन गया। इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर से ही बनाएंगे, लूप को लंबा खींचेंगे, इसी के अंदर एक, दो और ये तीन। अब हमें इसके अंदर बनाना है। ये वाला एक पफ स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर इसके बाद जो हमारा हॉल आता है यहाँ पर बनाना है। एक, दो और ये तीन। फिर से नेक्स्ट वाले में एक, दो और ये तीन। तो तीन हो गए हमारे क्रोशे में पफ। अब हमें इस धागे को पकड़ के रखना है और तीनों को एक साथ निकालना है ऐसे। और ये पकड़ा हुआ जो धागा था, इसे हम क्रोशे में डाल देंगे और फिर एक पहले निकालेंगे, फिर दो में से एक कर देंगे। फिर से एक चेन, लूप को लंबा खींचेंगे और यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर एक बार जो हमने यहाँ पर इस धागे को साथ ले लेंगे, एक बार जो हमने यहाँ पर बनाया था वहीं पर दूसरी बार करेंगे। एक, दो और ये तीन। तीन हो गया। फिर से नेक्स्ट वाले में एक, दो और ये तीन।
एक ही क्रोशे में तीन पफ हो जाए इसके बाद धागे को यहाँ से पकड़ के रखेंगे और सारे पफ को निकाल देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर पकड़ा हुआ जो धागा था इसे क्रोशे में डाल देंगे और फिर इसे पहले निकालेंगे, फिर दो में से एक कर देंगे और फिर से इसी तरह से एक चेन लेंगे, लूप को लंबा खींचेंगे, एक दो और तीन, फिर से जहाँ पर हमने एक बनाया था वहीं पर दूसरा बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर एक पफ के बाद एक दो और ये तीन, फिर से धागे को पकड़ेंगे, सारे धागे एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, दो में से एक कर देंगे, फिर से हमें एंड में इसी तरह से बनाना है। एक चेन ली, एक दो और ये तीन, फिर से जहाँ पर बनाया था वहीं पर एक दो और ये तीन। अब हमें आखिरी में बनाना है, ये वाला जो पफ है हमारा इसके आखिरी में हम लूप लेकर के यहाँ पर डालेंगे क्रोशे को, देखिए यहाँ यहाँ पर हम पफ बनाएंगे इस तरह से, एक दो और ये तीन, तीन बार हो गया। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे, फिर पकड़े हुए धागे को क्रोशे में डाल देंगे, निकाल देंगे, दो में से एक कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और अब हमें यहाँ से फिर से पफ बनाना है, एक दो और ये तीन, और अब हमें यहाँ पर बनाना है, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे, एक दो और ये तीन। अब हमें दो ही निकाल देने हैं, देखिए हमारे क्रोशे में दो पफ हो गए, एक बार इस तरह से पकड़ के सारे धागे को निकाल देंगे ऐसे करके बंद कर देंगे, दो हो गए। फिर से एक चेन लेंगे और इसी के ऊपर एक बार बना देंगे, एक दो तीन, फिर से यहाँ पर बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर से दो ही निकाल देंगे, धागे को यहाँ पर पकड़ेंगे और दो पफ ही निकालेंगे, दूसरी बार हमने दो बनाया है, फिर दोनों को निकाल देंगे। फिर से एक चेन लेंगे, यहीं पर हम पफ स्टिच करेंगे, एक दो और तीन, फिर से यहाँ पर बनाना है इसमें, एक दो और तीन, फिर से दो ही बनाने हैं हमें, तीन बार दो दो करने हैं, दो बार बनाए, तीसरी बार हमने दो को निकाल दिया और फिर से इसी तरह से बंद कर दिया। तो तीन बार हमने दो दो बनाए, अब हमें तीन तीन बनाने हैं, देखिए इस तरह से करेंगे, फिर से एक दो और तीन, फिर से यहीं पर बनाएंगे, देखिए जहाँ पर हमने एक बार बनाया था वहीं पर हम बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से नेक्स्ट में करेंगे, एक दो और ये तीन। तो तीनों कंप्लीट हो गए, अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, यहाँ पर से पकड़ के रखेंगे और तीनों में से निकाल देंगे और फिर पकड़ा हुआ धागा इसमें डाल देंगे। देखिए एक बार हमने तीन कर दिया और अब हमें आगे भी तीन तीन ही लेना है, यहाँ पर तीन बार दो दो करके लिया, पहली बार हमने तीन लिया, फिर से हम आगे तीन ही करेंगे। क्रोशे में जो पफ है उसकी बात कर रही हूँ मैं, दो और तीन, फिर से जहाँ पर एक बार लिया था इसी के अंदर डालेंगे, एक दो तीन, फिर से नेक्स्ट वाले में एक दो और तीन,
तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ये दूसरी बार हमने तीन किया, ऐसे फिर से एक चैन लेंगे और इसी के अंदर एक दो और तीन, फिर से इसी के अंदर डालेंगे एक दो और तीन, फिर से नेक्स्ट वाले में एक दो और तीन, तीनों को हम निकाल देंगे। ये तीसरी बार हमने तीन किया इस तरह से, तीन बार हो गया तीन तीन। अब आखिरी बार हम बनाएंगे, चार बार हमें बनाना है, तो इसी के अंदर से एक दो और तीन, फिर से इसके अंदर जहाँ पर हमने एक बार बनाया था इसी के अंदर एक दो तीन, फिर से यहाँ पर कॉर्नर पे एक दो और तीन, फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर पकड़े हुए धागे को क्रोशे में डाल देंगे और दो में से एक कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर से दो दो करने हैं, जैसे हमने पहले उस साइड किए थे इस तरह से दो तीन, फिर से यहाँ पर एक दो और तीन, फिर से दो निकाल देंगे। दो पफ स्टिच हमारे थे क्रोशे में, एक बार हमने दो किया, फिर से हम यहाँ पर एक चैन लेंगे, इसी के ऊपर एक बार बनाएंगे एक दो और तीन, फिर से इसी के अंदर बनाएंगे एक दो और तीन, फिर से दो हम निकाल देंगे। दूसरी बार हमने दो किया इसे, दूसरी बार दो किया, और अब हमें एक ही पफ बनाना है। एक चेन ली, फिर यहाँ पर एक दो और तीन, तीन बार किया, एक ही पफ हमें कंप्लीट कर देना है इस तरह से आखिरी बार ऐसे। और इस पफ को यहाँ पर इस कॉर्नर पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। तो देखिए हमारी हेयर क्लिप बन करके रेडी हो गई। और अब हम एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे। इस तरह से क्रोशे में नीडल को पिरो करके हमने पीछे की ओर इस तरह से धागे को घुमा देंगे और एक दो बार नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब हम धागा काट देंगे और अब हमें इसमें मोती लगाना है, तो धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ से उल्टी साइड से धागे को पहले तो स्टार्ट कर देंगे ऐसे, फिर हम यहाँ पर से राइट साइड में नीडल को निकालेंगे ऐसे, और फिर मोती लेंगे। आप चाहे वो लगा सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल्स आपके पास जो भी है, अगर आपके पास चिपकाने वाले पल है तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर आगे वाले फ्लावर पर हमने निकाल दिया, तो इसी तरह से आप पांचों फ्लावर में मोती लगा दीजिए। तो देखिए पहले तो हम इस फॉर्म मटेरियल से इस तरह से ये जो हमने बुनी हुई पट्टी है वो रख देंगे और यहाँ पर इसके साइज का टुकड़ा निकाल देंगे इस तरह से ऐसे। ऐसे कर लिया और अब हम यहाँ पर से इसके अंदर जो हेयर क्लिप है इसे इस तरह से रखेंगे। जो ये वाला पार्ट है आगे का थोड़ा सा, इसकी जगह हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो इस तरह से पहले हम नाप लेंगे और यहाँ पर होल करके इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, इस तरह से।
ऐसे डाल दिया। अब हम बंद कर देंगे। फिर इसके ऊपर इस तरह से हेयर क्लिप को रख करके देख लेंगे और एक्स्ट्रा जो है इसे हम इस तरह से राउंड में ऐसे करके कट करते जाएंगे और एक्स्ट्रा जितना हमारा क्लिप के नीचे से जो दिखाई देता था इतना हम सारा काट देंगे ऐसे इस तरह से। तो देखिए ये ग्लू गन की स्टिक है, तो इस तरह से आप लाइटर से भी इसे गर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये लाइटर ख़त्म हो गया है, तो इससे भी आप और एक चीज़ इसे अपना सकते हैं, दिया करके आप इसको गर्म कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल दिए से गर्म करके इसके ऊपर लगा दूँगी। तो ये वाली स्टिक आपको जो मटेरियल्स का शॉप होता है वहाँ 8-10 रुपये में इजीली मिल जाएगी, ग्लू गन की स्टिक इसे बोलते हैं। तो ये स्टिक जो होती है इसमें फाइबर होता है, तो इसे लगाएंगे तो ये एकदम से वॉश करने पर भी ये निकलेगा नहीं, एकदम से अच्छे से चिपक जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, अब हम इसे जितना हमारा गर्म हुआ है इतना हम यहाँ पर चिपका देंगे और ध्यान रखिए कि ये बहुत ही गर्म लगता है, तो इससे आपके हाथ के ऊपर ये लग ना जाए। और अब इसी तरह से इसको इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए हमारी क्लिप बन करके रेडी हो गई है, इसे थोड़ी देर सूखने दे। देखिए तीनों बन करके रेडी हो गई है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। और वूल के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये जो वूल है वो हमारी थोड़ी सी मोटी है, इसीलिए हमारी ये पिन थोड़ी सी दिखने में बड़ी लगती है। देखिए दोनों पास पास में रखी है, तो देखिए इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, और ये वाली वूल थोड़ी सी मोटी है इसीलिए थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है, ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।